भाजपा के जसमनप्रीत ने वापस लिया नामांकन। 5 सदस्यों की कमेटी में 6 पार्षदों ने भरे थे नामांकन। नगर निगम चंडीगढ़ में FNDCC के चुनाव में गठबंधन से तरुणा मेहता कांग्रेस, जसविंदर कौर आप व रामचंद्र यादव आप और भारतीय जनता पार्टी के महेश इंद्र सिंह व लखविंदर सिंह बिल्लू निर्विरोध घोषित किए गए। नगर सांसद किरण खैर भी कुछ समय के लिए निगम सदन में पहुंचे। उन्होंने सभी पार्षदों की क्लास लगाई और नसीहत दी कि रगड़े झगड़े छोड़कर निगम और शहर के विकास के लिए काम करो। तुम्हें भी शहर की जनता ने चुनकर भेजा है, वह तुमसे जवाब मांगेगी। बाद में मेयर कुलदीप कुमार ने कहा, बैठक में भाजपा पार्षद ने समय बर्बाद किया। बोले, नामांकन वापस करना ही था, चुनाव करवाने नहीं थे तो इतना समय क्यों बर्बाद करवाया। भाजपा पार्षदों को मार्शलों से इसलिए निकलवाया क्योंकि वह बैठक नहीं होने देना चाह रहे थे। 8 साल भाजपा ने राज किया, इसलिए अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाजपा शहर के विकास कार्य नहीं होना देना चाहते। सचिन जी, जिस तरह से आज मीटिंग में हमारा देखने को मिला, जहां पर लोगों के हित के काम होते हैं, वहां पर 3 घंटे तक मीटिंग में हंगामा ही होता रहा। उसके बाद भाजपा के एक पार्षद, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने माइक तक पकड़ लिया। सरेआम गुंडागर्दी में देखिए कि भाजपा को पच नहीं रहा है कि उनकी हार हो गई है और उनको कॉरपोरेशन से बाहर निकाल दिया गया है। मेयर पे उनका अब कब्जा नहीं है। जिस तरीके का उनका बर्ताव हाउस के अंदर रहा है, वो मीटिंग को कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से यूनिवर्सिटी के सीनेट के इलेक्शन जो कंडक्ट करवाते हैं सुनील जी, बहुत बड़ी बात होती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल और सीनेट का इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं, तो बड़ा डिफिकल्ट इलेक्शन होता है। उसकी काउंट उसकी मैनेजमेंट संभालने वाले सुनील जी इलेक्शन का प्रोसेस समझा रहे थे, तो एक भाजपा के पार्षद उनका माइक छीन लिया। ये उनकी रिस्पेक्ट है गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए। सरेआम गुंडागर्दी दिखाई जा रही थी और भाजपा ये महसूस करता है कि शायद इन चीज़ों से इंडिया का अलायंस या कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। ऐसा नहीं होने वाला। भाजपा को आज मुक्की खानी पड़ी और एजेंडाज में भी मुक्की खानी पड़ेगी। मेजोरिटी उनके पास नहीं है, इंडिया अलायंस के पास हर मेजोरिटी है और हम हर मुद्दे को हाउस के अंदर रखते हैं। रात 3 घंटे जो समय बर्बाद हुआ है, भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा काम नहीं होने देना चाहती। भाजपा का एजेंडा तो ये था कि ये जल्दी से जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लगे और शहरवासियों के लिए कोई भी काम कॉर्पोरेशन ना। अभी राणा जी आरोप लगा के गया है कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी आम आदमी की कठपुतली बनी हुई है। ये देखिए सरेआम बेबुनियाद जो बयान है, क्योंकि MP जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ये कोई बयान की बात ही नहीं रहती। ऐसे तो हम कह देंगे MP हमारा कठपुतली वो है, कोई किसी की कठपुतली नहीं है। भाजपा की जो देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। किरण खेर जी आई थी, वो आके जब उन्होंने नारों की आवाज़ सुनी, वो कहती कि मेरा सर दर्द हो रहा है। अगर इतना सर दर्द होता है मैडम, अपनी राजनीति छोड़ के घर बैठिए, 10 साल MP बनने की जरूरत नहीं थी, घर में बैठिए, मुंबई काम करिए, फिल्मों में नाटकों में काम करिए, शहर के लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सर दर्द तो लोगों का हुआ है, आपको चुना जिस दिन उसी दिन सर दर्द होना शुरू हो गया था, आज तक नहीं बंद हो रहा है। तो किरण खेर जी मैडम जैसे हाउस से चली गई है, ये भाजपा की बेबुनियाद बातें हैं। इनको हार दिख गई है, होर्स ट्रेडिंग करी, पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी, हार हो गई है। FNCC का चौंक सीगा, उच्च मेंबर चुने जाने से शहर के डिवेलपमेंट वास्ते, बट पिछले 2.5 घंटे से तुम एक्सपर्ट बुलाए हुए पंजाब यूनिवर्सिटी तो दसन वास्ते की वोट किए पैनी है की है। जब सानू कोई डाउट है तो असं डाउट पूछने वास्ते एक्सपर्ट आए हैं, इन्होंने कोई गलबात करनी। मैं शहर के डिवेलपमेंट वास्ते अज अपनी FNCC का नोमिनेशन लाइन बजट तो मैं नहीं कह रही गलत पेश किए, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया बजट गलत पेश किया, जी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसा कॉर्पोरेशन देना उन्होंने किया। उन्होंने एक दिन पहले लैटर कॉर्पोरेशन कि जोड़ा बजट का हाउस है वो इलीगल है, उन्होंने द्वारा कॉल किया जाए कि मेरे सामने अपनी मर्जी ना शायद उनसे पूछ के लिया। मेरे से खोजने के लिए जसबीर सिंह लाठी जी आए थे, जो मैंने उनको माइक नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने जिससे माइक लिया मैं उसको माइक दूंगा। 5 मेंबर चुन ले गए सर्वसम्मति नाल, 2 BJP ने, 3 इंडिया गठबंधन ने। मेंबर एक बार नाम दस दो, की लग रहा है जिस तरीके नाल कमेटी मिलके काम कैसे करेगी। तरफ तो महेश इंदर ने जी, महेश इंदर सिद्धू जी और लखबीर सिंह बिल्लू जी,
ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨਾਮ ਹੈ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਯਾਦਵ तीनों जने चुनाव जीत चुके हैं। तीनों ने चुनाव करवाना था, इनके पास मेजोरिटी थी नहीं, ये ऐसे उलझा के रखे। चलो सर्वसम्मति होगी समझ नहीं आता चुनाव को पूछ कौन रहा था। ये देखिए हमने किसी से पूछ रामचंद्र जी समझा देते हमें पता था अगर हमें नहीं पता रामचंद्र जी समझा देते मुझे बड़ा रामचंद्र जी इलेक्शन हो चुके करोगे पांच चो दो बीजेपी ने मिलकर काम के करोगे अगे भी सोचो जिसके भी वार्ड के एजेंडे होंगे वो बिल्कुल काम किया जाएगा मिलके काम। देखो शहर के काम के लिए हमारा बिल्कुल यही एजेंडा है कि मिलके काम करेंगे, हमें कोई वो नहीं है। आज सारा मीडिया पूरा चंडीगढ़ देख रहा है कैसे इन्होंने क्या 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 जो तंत्र अपनाए हैं कि मैं छोटी थी जब लास्ट में आपने विड्रॉ करना था पहले कर लेते समय बर्बाद कर दिया इन्होंने इतना। चलो बाइक ऑफिसर का छीन रहे हो यार इतनी ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਕਾ ਵੀ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਾਰਡ ਕਾ ਹੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਉਸਮੇ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਮੇ ਆਏਗਾ ਉਸਕੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੇ ਯੇ ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਣਾ ਨਾ ਭੁਲੇ।